युवक को छत से उल्टा लटकाकर कर डंडे और बेल्ट से पीटने वाले मामले में चौथा आरोपी भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस को चकमा देकर भाग रहे आरोपी को घेराबंदी करके पकड़ा गया। इस आरोपी ने पीड़ित युवक को बेल्ट और डंडे से पीटा था। इस हाई प्रोफाइल मामले में फरार आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए 3 टीम का गठन किया गया था। कोतवाली TI देवकर डेहरिया ने बताया कि सूचना मिली थी कि आरोपी रिंकेश चौहान भागने की फिराक में था, जिसको लेकर पुलिस ने खेड़ी रोड पर घेराबंदी कर उसे गिरफ्तार किया है। बता दें कि युवक को पीटने वाला आरोपी रिंकेश चौहान ही था। पुलिस ने तीनों आरोपियों को न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया था। इनमें से एक आरोपी के खिलाफ रासुका की कार्रवाई करते हुए उसे सेंट्रल जेल भोपाल शिफ्ट किया गया है। आशीष के साथ जो मारपीट हुई थी उस मामले में पहले तो 3 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। आज इसके साथ जो मुख्य आरोपी एक रितेश चौहान जो घटना के बाद से फरार चल रहा था, उसको खेड़ी रोड पर इन्फॉर्मर के सूचना पर गिरफ्तार किया है। उसके साथ एक और आरोपी बचा हुआ था इसमें अमित, वो भी उसी के साथ में कहीं भाग रहे थे, तो उनको नाकाबंदी करके पुलिस ने पकड़ा है खेड़ी से। अब इसमें टोटल 5 आरोपी अभी तक गिरफ्तार हो चुके हैं। अभी और अन्य आरोपी बचे हुए हैं, उनके लिए भी हमारी तलाश पतासाजी जारी है।